ये एक लिटल बॉन्साई कह सकते हैं दोस्तों, और ये कैसे बना है आप लोगों को पता ही है, शॉर्ट टाइम हुआ है बहुत, अभी अभी वीडियो अपलोड हुआ था कि हमने एक रूट ओवर रॉक ट्रेंड किया था, उसके ऊपर से चॉपिंग किया और उसी में से जो ब्रांच निकली थी उसको हमने गाड़ दिया था और वो हो गया था। तो इसकी रूट ट्रेनिंग तो हो गई है दोस्तों, अब उसको करना है ब्रांच ट्रेनिंग। तो ब्रांच ट्रेनिंग कैसे करते हैं वो आप देखते हैं। तो उसका रिपोर्टिंग तो हमने कर लिया है, अब हमें देखना है ब्रांच पे। तो यहाँ न्यू ग्रोथ हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस ग्रोथ को हमें हटा देना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से सुरक्षित दूरी के बाद। तो सुरक्षित दूरी, तो प्लांट जैसे जैसे छोटा होता है तब वैसे वैसे प्लांट के बीच की, सॉरी दो ब्रांचों के बीच की दूरी कम होती जाती है। तो यहाँ इतनी सारी ब्रांचों में से हमें ये सब निकालना पड़ेगा, और यहाँ किन्हीं दो के साथ ही जा सकते हैं, नहीं तो फिर जंगल बन जाएगा, यहाँ रिवर्स टेपर वगैरह बनने लगता है। तो ये बेसिक मैं बहुत सी बार सिखा चुका हूँ दोस्तों, अब यहाँ रेमिफिकेशन होगा धीरे धीरे। इन ब्रांचों को हम पिंच कर देंगे बाद में, थोड़े दिन हेल्दी होने के बाद। तो यहाँ से इतनी दूरी आधे इंच जितनी ही रखी है हमने, तो यहाँ भी इतनी ही रखेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती है दोस्तों वो सब हटा देनी होती है। और यहाँ ब्रांच निकल रही है बट सी कर्व के अंदर है, वो नहीं काम की है, अगर इधर से निकलती तो हम रख सकते। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके इस प्लांट में ब्रांचिंग होगी दोस्तों। तो प्लांट का अलग अलग स्टेज होता है, उसी के हिसाब से हमें प्लांट को ट्रेन करना होता है। अगर आप बड़े प्लांट से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें छोटे रूट भी नहीं होते, तो उसको पहले ट्रेन करना होता है फिर ब्रांचिंग करनी होती है। ये स्टेम यहाँ से एक दूसरी भी ब्रांच थी वो डाईबैक हो गई होगी, तो उसको हम निकाल लेते हैं। ये कटर बार बार ख़राब होता है दोस्तों, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं, डिफ्लेक्शन आ जाता है जो के बीच में। तो चलिए यहाँ फंगिसाइड लगा देते हैं। तो यहाँ भी स्केयर हीलिंग होना चाहिए, टेपर बहुत ही ज़बरदस्त है हाइट के हिसाब से दोस्तों। वैसे रूल्स के हिसाब से माना जाए तो इसका बेस डायमीटर से 6 गुना ही हाइट होनी चाहिए, पर थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, इसका कोई आइडियल सिचुएशन देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो अच्छे से फंगिसाइड लगा दिया है दोस्तों। तो आप छोटा बॉन्साई बना रहे हैं या बड़ा, आप बिगिनर्स हैं तो इतना छोटा बॉन्साई तो बना ही नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो आप संभाल ही नहीं सकते, मैं भी नहीं संभाल पा रहा, तो आपसे कैसे होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, डिहाइड्रेट हो जाए या कुछ हो जाए, उसमें धूप में भी इसको रखेंगे तो कभी कभी उसमें डिहाइड्रेट के साइन दिखने लगेंगे, तो उसको इंडोर करना पड़ता है, तो नज़र रखनी पड़ती है दोस्तों, ऐसे ही नहीं बन जाता सब कुछ। तो एक्स्ट्रा ग्रोथ भी नहीं होने देना है, बहुत ही छोटा सा है, उसका वाइंडिंग देखिए, उसका कर्वेचर देखिए, पूरे तरीके से एक नेचुरल बॉन्साई सोइंग साइज में बनेंगे, इतना छोटा भी नहीं बनेगा, ब्रांचिंग होते होते ये थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा निकल के आना चाहिए दोस्तों। ये है ऑस्ट्रेलियन फाइकस की, जिसको लगेगा कि बताया ही नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा है ये फाइकस, क्योंकि इसमें एरियल रूट बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। तो एक बार कैनोपी डेवलप होने के बाद हम इसमें एरियल रूट भी ग्रो करवाएंगे, जिससे एक बनियन का जो ट्रेडिशनल फाइकस का लुक है वो आता है दोस्तों। तो इतना सा बॉन्साई बनाने में भी मुझे 3 साल लगभग लगे हैं ऐसा डिज़ाइन होने में। अभी तो इसका ट्रेनिंग होनी है, ब्रांच ट्रेनिंग, कुछ ही दिनों में हेल्दी होगा, फिर उसको हम पिंच करेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिएगा।